नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर सीखो हिंदी। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ एक टेक्नो का मोबाइल है जिसका मॉडल नंबर है i3। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप इसके बैक पैनल को कैसे रिमूव कर सकते हैं, और रिमूव करके आप नया बैक पैनल लगाना चाहें तो नया बैक पैनल भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, जो मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ, तो वही सिंपल से स्टेप्स फॉलो करके आप जो है और भी जो है मोबाइलों के जो बैक पैनल को रिमूव कर नया लगाना चाहें नया लगा सकते हैं, और बहुत ही इसी तरीके से उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको इसको रिमूव करना है। फिलहाल तो मेरे पास मॉडल नंबर है टेक्नो का i3। तो अब मैं आपको इस बताऊंगा इसको कैसे रिमूव करना है, बहुत ही इसी तरीके से, बहुत ही सिंपल स्टेप्स फॉलो करना है आपको, बस ज़्यादा कुछ नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी जो सिम ट्रे है इसको रिमूव कर लेना है, जैसे कि मैंने पहले निकाल ली है ताकि दिक्कत ना हो। और अब हम जो इसको नाखून की मदद से जो है यहाँ पर हल्का सा नाखून फंसा लेंगे, और इसके नाखून की मदद से धीरे धीरे इसको जो है नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे, और नीचे की तरफ स्लाइड करने के बाद जो है आप इसको इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा लेंगे, फिर इसको थोड़ा घुमाएंगे मोबाइल को, और फिर धीरे धीरे से इसको ऊपर की तरफ नाखून को स्लाइड करते जाएंगे। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, हमारा जो है बैक पैनल बड़ी इजीली तरीके से ओपन हो रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैक पैनल, ये देखिए हमारा जो बैक पैनल पूरी तरह से ओपन हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप अपने बैक पैनल को जो है रिमूव कर सकते हैं, और चाहे तो नया बैक पैनल लगाना चाहे तो नया बैक पैनल भी इसमें आप सेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।